अप्रैल नूं इत्थे कब्जा करन दी कोशिश कीती, साडे समान दी भन तोड़ कीती, साडे परिवार ते गोलियां चलाईयां जी। ते दिन श्री मुक्तसर साहब जिले के पिंड सुखना विच जमीनी विवाद च होए झगड़े च मामला दर्ज किया गया सी। इस संबंधी कार्रवाई की मांग करदे अज पिंड वासियां ने जिला पुलिस मुखी के दफ्तर के बाहर धरना लेके रोस प्रदर्शन दर्ज किया। पिंड वासियां ने पुलिस कार्रवाई की मांग करदे जिला पुलिस मुखी के दफ्तर के बाहर धरना देके मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिंड सुखना विखे जमीनी विवाद च होए झगड़े पुलिस ने दोवें तरह से मामला दर्ज किया। संबंधी अज पिंड वासियां दे सहयोग नाल इक तिरने एस एस पी दफ्तर के सामने धरना ला दिता है। इस दौरान उन्होंने दोष लाया कि दूजी धिर जिस ते परचा दर्ज है वह व्यक्ति पिंड विच शरेआम हथियार लैके घूम रहे हैं, पर पुलिस उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर रही। पिंड वासियां ने दोष लाया कि यह सब सत्ताधारी धिर के आगुआं की शह से किया जा रहा है। की हैगा और मसला की होया हैगा सारा जिहड़ा इह धरना लाया हैगा? सर मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है, मेरा पिंड सुखना बलू है। सर मैं आपके घर को 15 मरले जगह ली सी जनवरी महीने, 3 महीने हो गई उस गल नूं। ते इत्थे साडे पिंड दा ही सुखमंदर सिंह सरपंच साबका जो कि कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित है, ते इक साडे गवांढी जगतार सिंह दा मुंडा पीता पीता, इन्होंने आके 2 तरीक अप्रैल 2 अप्रैल में इतने कब्जा करने की कोशिश की, साडे समान की भन तोड़ की, साडे परिवार से गोलियां चलाईया जी। मैं घर में मौजूद नहीं सी, मैं घर में मौजूद नहीं सी, तो ये 15-20 जने लैके आए जी, तो उत्थे शरेआम गुंडागर्दी की, सीधिया गोलियां चलाईया, सानू मारन की कोशिश की। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਰ ਪਰਚਾ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।